लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने शेखपुरा में एक श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान चिराग ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अपने चाचा रामचंद्र पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं चिराग ने देश के दो बड़े मुद्दे आर्टिकल 370 और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति को लेकर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का स्वागत किया है। दरअसल विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, लेकिन चिराग ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 70 साल से ज्यादा समय तक लोगों ने आर्टिकल 370 के बुरे नतीजों को देखा है। चिराग ने कहा कि सरकार ने आर्टिकल 370 पर कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि दरअसल इस पर फैसला लेने में देरी हुई है। चिराग ने कहा कि विपक्ष के एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि आर्टिकल 370 के रहने से क्या फायदा हुआ है। उन्होंने इस फैसले के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया भी अदा किया। जल्दबाजी 70 साल जल्दबाजी तो नहीं होती, मतलब सही में आप अगर ये बात कह रहे हैं, मैं चाहता था कि विपक्ष के साथ ही उस दिन मैंने टीवी पे मैंने पूरा दिन मैंने राज्यसभा की मैंने बहस सुनी, लोकसभा की बहस में मैं खुद वहां पर मैं मौजूद था। एक किसी विपक्ष के नेता ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि धारा 370 के रहने से क्या लाभ हुआ या उसको रखने से हमें भविष्य में क्या लाभ हुआ। हर किसी ने प्रोसेस पे सवाल उठाए कि ये रास्ता गलत था, इस रास्ते से आप इसको लागू नहीं कर सकते, इतनी जल्दी क्या थी इसको हटाने की। पर मैं सुनना चाहता था कि कोई एक व्यक्ति, कम से कम कोई विपक्ष का एक नेता ये बोले कि धारा 370 इतने सालों से थी, उससे हम लोग को ये लाभ हुआ और अगर अब ये हटाई जाती है तो उससे हम लोग को ये नुकसान होगा। किसी ने भी इसके लाभ का जिक्र नहीं किया। धारा 370 हकीकत में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करती थी और इसका हटना बहुत ज़रूरी था और जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम नहीं है। मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, इसको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। पर मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का कि उन्होंने फैसला लिया। लगे हाथों चिराग ने कांग्रेस पर भी करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास एक भी चेहरा नहीं जो अध्यक्ष पद को संभाल सके। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने मजबूरी में अध्यक्ष पद स्वीकार किया है क्योंकि कोई दूसरा इस पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं ये नेतृत्वहीनता को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी में आपकी कोई सेकंड लीडरशिप नहीं और ये अपने में बहुत बड़े ताज्जुब की बात है। भारत की देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल, उनके पास जिन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत पे शासन किया हो, उनके पास सेकंड लीडरशिप के नाम पे कोई भी नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ राहुल जी का, जब उन्होंने इस बात को बोला और हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से हटने की बात कही, पर हटते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य इस जिम्मेदारी को नहीं लेगा। उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पुनः ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी को दी जाती है। महीनों तक ये मंथन चला कि राहुल जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा। एक ऐसा नाम इतने पुराने राजनीतिक दल के पास नहीं था, एक ऐसा नाम जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सके। ये अपने में दर्शाता है कि कांग्रेस किसी तरह कितनी निराश और हताश हो चुकी है कि कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं। आर्टिकल 370 और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए आक्रामक मूड में है। वहीं आर्टिकल 370 पर जिस तरह से कांग्रेस बटी नजर आ रही है, उसे साफ हो गया है कि वक्त रहते कांग्रेस कोई स्पष्ट रणनीति बनाने में नाकाम रही। वहीं राहुल गांधी लंबे समय से ये संकेत दे रहे थे कि पार्टी की कमान ऐसे नेता को दी जाएगी जो गांधी परिवार से ताल्लुक न रखता हो, लेकिन आखिर में फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने से राहुल के दावे खोखले साबित हुए। ऐसे में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शेखपुरा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।